प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, उसके दो पार्ट थे बीडीसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और दूसरा पार्ट था अमीन्स। आज बीडीसी का फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर अमीन्स शुरू करेंगे जो उसका लास्ट पार्ट है। तो बीडीसी का फ्लो चार्ट देखें। पहले आप बताएं बीडीसी बनाने के लिए अपन ने क्या किया था। इसका मतलब याद रखना, जैसे ये लाइन लगा दी मैंने, इसका मतलब नीचे बेंजीन का बेस है। NH2 ग्रुप दिया था, इस पर मैंने अप्लाई किया था NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बन गया था? बीडीसी बन गया था। ये लिया था एनिलीन और ये रिएक्शन कहलाई थी डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन इसमें ध्यान देने की बात है, जैसे आप ये लाइन हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे? बेंजीन, है ना। तो ये है डाइएजोटाइजेशन, एनिलीन से बीडीसी बन गया। अब बीडीसी से आपने क्या क्या किया था वो देखें जरा। पहला काम अपन ने क्या किया था बीडीसी से, बताओ। बीडीसी से पहला काम किया था अपन ने, दिया था HBr/CuBr, रिंग के ऊपर आ गया था Br और इसका नाम था सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम था? सैंडमेयर रिएक्शन, SR, सैंडमेयर रिएक्शन SR। फिर था इसके बाद HCl और CuCl लिया था, Cl आ गया था, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन थी। लेकिन अगर आप HBr के साथ कॉपर पाउडर ले लें, क्या ले लें? कॉपर पाउडर, तो अभी Br आ गया था और ये थी गार्टरमैन रिएक्शन। इसी प्रकार अगर आप HCl के साथ Cu पाउडर ले लें तो ये रिएक्शन में Cl आ जाएगा, नाम होगा गार्टरमैन रिएक्शन। और इसी को आप Ki के साथ करोगे हीट, हीट का मतलब वार्म कंडीशन, तो I आ जाएगा। अगर आप इसको HBF4 के साथ करोगे तो पहले इंटरमीडिएट बनेगा आपका N2+BF4-, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इससे आप दो काम कर सकते हो, इसे NaNO2 के साथ गर्म करो तो रिंग के ऊपर NO2 आ जाएगा, और डायरेक्ट हीट करोगे तो रिंग के ऊपर F आ जाएगा और ये कहलाएगी बाल्ट्ज़मन रिएक्शन। क्या कहलाएगी? बाल्ट्ज़मन रिएक्शन या बेल्ट्ज़मन रिएक्शन। तो इसमें यहां पर आके दो ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं, डायरेक्ट हीट करने पर F आता है, NaNO2 के साथ हीट करने पर NO2 आता है। और इसके अलावा आपको मालूम था NO2 पर अगर 6H NiEl(H)4 से लगा दे तो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद आ गया। अब अगली बात करते हैं, अगर आप इस पर क्या लगाएं? वाटर, और इसे गर्म कर दें तो फिनॉल बन जाएगा, और फिनॉल पे जिंक डस्ट लगा दें तो बेंजीन बन जाएगी। बेंजीन बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड भी है, आप C2H5OH ले लें तो अभी डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगी। H3PO2 के साथ पानी ले लें तो अभी डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या बन जाएगी? डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगी, हाँ या ना। अब इसके साथ मैंने बताया था अगर आप CuCn प्रिडीन ले लें, CuCn इन प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन ले लें तो रिंग के ऊपर CN आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CN, नजर आ रहा है, रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? CN, साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? साइनाइड। फिर साइनाइड ग्रुप से आप पे चार ऑप्शन क्रिएट होते हैं। पहला क्रिएट होता है 2H2OH+ वाला, इससे COOH ग्रुप आएगा। दूसरा क्रिएट होता है H2OOH- वाला, इससे CONH2 ग्रुप आएगा, है ना। चाहे तो आप OH- इसके साथ ऊपर ही लिख लें। तीसरा क्रिएट होता है 4H NiEl(H)4 वाला,
उससे CH2NH2 आ जाएगा, बेंजाइल अमीन बन जाएगा, और लास्ट ऑप्शन क्रिएट होता है स्टीफन रिडक्शन SR, उससे CHO ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? CHO ग्रुप। तो जितनी BDC में रिएक्शन पढ़ाई मैंने आपको, उन सारी रिएक्शन का ये फ्लो चार्ट हो गया, यानी कि इस फ्लो चार्ट से हमने वो सारी रिएक्शन जो BDC की थी वो सीख ली। तो ये क्या है? फ्लो चार्ट फॉर प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब डाइएजोटाइजेशन, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ BDC। ये फ्लो चार्ट है जो BDC की प्रिपरेशन और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर रहा है। फ्लो चार्ट फॉर प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है, बेंजीन के ऊपर N2+Cl-। बेंजीन के ऊपर क्या चाहिए? N2+Cl-। ये था, पूरा नोट करें, फ्लो चार्ट है ये। ये फ्लो चार्ट हो गया किसका? BDC का। यानी BDC में दो वीडियो में हमने जितना कुछ सीखा वो सारा इसके अंदर एक साथ समझा दिया। BDC के दो वीडियो अभी तक आपको रिलीज हो चुके हैं, उसमें हमने जितना सीखा वो इस चार्ट के अंदर सारा का सारा रिपीट कर दिया। फायदा क्या हुआ है? इससे रिएक्शन समझने में आसानी हो गई BDC की सारी, है ना। ये कौन सी है? SR फॉर कौन सी हो गई? सैंडवेयर, गाटरमैन। इसमें यहां से यहां चलोगे बाल्शीमन, कौन सी रिएक्शन हो गई? बाल्शीमन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सारा हो गया, पूरा नोट कर लें, ओके रहा? ये बाल्शीमन रिएक्शन है, तो यहां पे चाहे तो लिख भी लें BALZ SCHIEMAN रिएक्शन, बाल्शीमन, या इसे बेल्शीमन भी कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से, ओके रहा भाई? सारा ओके है, अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये खत्म हो गया कौन सा? BDC टॉपिक। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अमीन्स। जैसे ही अमीन्स कंप्लीट होगा, सो ही खुशखबरी क्या है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। NCERT फाइल करिए और नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं आप। कौन सा? LDI कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश, और आपका काम फिनिश हो जाएगा ऑर्गेनिक का। तो अब हमारा टॉपिक है अमीन्स। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, अमीन्स तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला है RNH2। इनकी खास पहचान है NH2 ग्रुप होता है इनमें। सेकेंडरी अमीन का फॉर्मूला है R2NH, खास पहचान है NH ग्रुप होता है, दो वैलेंसी वाला। टर्शियरी अमीन का फॉर्मूला हो गया R3N, खास पहचान है N होता है, तीन वैलेंसी वाला, तीन जगह से जुड़ने के लिए। ये अमीन्स का क्लासिफिकेशन हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। अब बात आती है इनकी प्रिपरेशन। तो अब टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, हेडिंग डाल लें प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में सबसे पहला मेथड है हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड, जो बच्चे IIT एस्पिरेंट्स हैं वो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। IIT वाले बच्चे इस पे, नीट वाले इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। बात समझ में आ रही है? और बोर्ड में भी आ चुका है, IIT और नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं इसमें? इसमें करते क्या है उस बात को समझो। पहले लेते हैं अमोनिया, उस पर लॉन पेयर है, उस पर लगाया C2H5Cl। क्या लगाया? C2H5Cl, HCl निकल गया, C2H5NH2 बना, यानी प्राइमरी अमीन बन गई। क्या बन गई? प्राइमरी अमीन। नोट हो रहा है? HCl वाला निकल गया, प्राइमरी अमीन बन गई। ठीक,
अब इसके बाद इस पर आपने दोबारा से C2H5Cl लगाया, आप माने नहीं, फिर HCl निकल गया, फिर बन गई सेकेंडरी अमीन C2H5 का होल ट्वाइस NH। कौन सी अमीन बन गई? सेकेंडरी अमीन। आप फिर नहीं माने, आपने कहा अरे भाई प्राइमरी अमीन बन गई, सेकेंडरी अमीन बन गई, अब हम और आगे बढ़ेंगे। आप फिर नहीं माने, आपने इस पर तीसरी बार भी लगा दिया क्या C2H5Cl, फिर क्या बाहर निकला HCl, तो ये बन गया C2H5 का होल थ्राइस N। ये बन गई आपकी टर्शरी अमीन, थ्री डिग्री अमीन, थ्री डिग्री अमीन बन गई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। आपने देखा इसका H कम हुआ C2H5 आया, फिर दूसरा H कम हुआ दो C2H5 हो गए, फिर तीसरा कम हुआ तीन C2H5 हो गए, टर्शरी अमीन हो गई। अब इसके बाद बच्चे से कहो अब कुछ होगा, तो बच्चा कहता कुछ नहीं होगा था, हो गया पूरा जो होना था, लेकिन बच्चा फिर यहां पे गलत है। अब रिएक्शन होगी फिर दोबारा चौथी बार। अब रिएक्शन का रूल क्या है आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी चीज पर प्लस हो, जैसे C2H5Cl है, ये टूट के बनाएगा C2H5+Cl दो इलेक्ट्रॉन माइनस, अगर किसी चीज पे प्लस है और वो लॉन पेयर वाली चीज के पास आए नाइट्रोजन के पास, तो इन दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन से ये वाले से, और ये जो प्लस है ये नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, तो वही लॉजिक लगेगा C2H5Cl को मनी मन में क्या मान लो C2H5+Cl दो इलेक्ट्रॉन माइनस, तो इन दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा C2H5 का होल 4N। नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, ये प्लस का आ गया नाइट्रोजन पर। अब ये बचा सीएल माइनस, इस प्लस के अट्रैक्शन के चक्कर में सीएल माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन गया आपका टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है जिसका नाम है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर ने इसका नाम टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड क्यों लिखा, वो समझे अमोनियम क्लोराइड क्या होता है NH4Cl, और कोई अच्छे से कही तो क्या लिख सकता है वो H4NCl, और कैसे लिख सकता है NH4+, ये तो होता है Cl दो इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ऐसे लिख सकता है, तो ये अमोनियम क्लोराइड ही तो है मान रहे हैं ना। अब इसके चार H हटाकर इथाइल लगा दो तो क्या बन गया C2H5 का होल 4N+Cl दो इलेक्ट्रॉन माइनस, तो इसका नाम क्या हो गया टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये अगर अमोनियम क्लोराइड है तो ये टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड बना। तो इस तरीके से आपने देखा अगर आप अमोनिया से किसकी रिएक्शन करा रहे हैं C2H5Cl की, अगर आप अमोनिया से C2H5Cl की रिएक्शन करा रहे हैं तो पहले प्राइमरी अमीन बनेगा, फिर वो सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट होगा, फिर वो टर्शियरी अमीन में कन्वर्ट होगा और लास्ट में बनेगा अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा अमोनियम सॉल्ट जिसका नाम है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये देखा आपने अमोनिया पहले क्या बनाता है C2H5Cl के साथ प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी अमीन और लास्ट में बनाता है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट कैटेगरी में है। सॉल्ट कैटेगरी का मतलब प्लस माइनस हो तो सॉल्ट कैटेगरी होती है, तो ये सॉल्ट कैटेगरी का एग्जाम्पल माना जाएगा। नोट करें जल्दी से, सामने से हट गया हूं, जल्दी नोट करें, टाइम ना लगाएं। हाँ जी हो गया नोट। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आता है ये मेथड में अगर हम C2H5Cl की एक्सेस करें तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इस पर, इफ वी टेक C2H5Cl इन एक्सिस देन व्हाट हैपेंस इन दिस मेथड। इन दिस मेथड का मतलब हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड में किसको आप एक्सिस में ले रहे हो C2H5Cl, बट जिसे एक्सिस में लेते हैं इसका मतलब है वो चीज आपको बहुत ज्यादा है
और आपको जितनी ज्यादा खर्च कर सकते हो करो। जो चीज एक्सेस में इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा है और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना है। तो आपने एक्सेस में जैसे लिया C2H5Cl को, तो C2H5Cl ज्यादा कब खर्च होगा? जब चारों बार खर्च हो। C2H5Cl को खर्च करने के लिए आपको बार बार आप ये चारों स्टेप करोगे, क्योंकि हर स्टेप में C2H5Cl खर्च हो रहा है। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट। तो अगर आप C2H5Cl को एक्सेस में लोगे तो हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड में आपका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आंसर सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। आंसर हो गया क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसका नाम है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट इज द मेन प्रोडक्ट, इज द मेन प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। अगर आप किसको एक्सेस में लोगे? C2H5Cl को इन दिस रिएक्शन। अब बात आती है अगला क्वेश्चन है इसमें, फिर इफ वी टेक C2H5Cl की जगह यहां पे इन्होंने कर दिया अमोनिया, कह रहा अगर अमोनिया को एक्सेस में ले तो क्या होगा? तो आंसर फिर सोचना पड़ेगा, ये हटा दो। अब आपने C2H5Cl की जगह किसको एक्सेस में लिया? अमोनिया को। तो प्यारे बच्चों क्या लॉजिक बताया था? जो चीज एक्सेस में लो उसको खर्च करना है बार बार। तो अमोनिया को केवल पहले स्टेप में खर्च हो रहा है, इसका मतलब आप चाहोगे बार बार पहला स्टेप ही हो। तो अगर बार बार पहला स्टेप ही कराओगे तो मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा? प्राइमरी अमीन, क्योंकि अमोनिया केवल फर्स्ट स्टेप में खर्च हो रहा है और अमोनिया अपर एक्सिस में। तो आप बार बार यही स्टेप कराओगे, यही 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 यही, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? प्राइमरी अमीन। तो आपका आंसर क्या होगा? प्राइमरी अमीन इज द मेन प्रोडक्ट। तो अगर आपने C2H5Cl को एक्सेस में लिया तो क्वार्टरनरी सॉल्ट, अमोनिया को एक्सेस में लिया तो प्राइमरी अमीन इज द मेन प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। अब आप रही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्यों? तो क्वेश्चन है व्हाई हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड is not a suitable method to form amines. अमीन बनाने का ये बहुत अच्छा मेथड क्यों नहीं है? आपको क्या लगा कि आंसर देने वाला हूं मैं? ये अमीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम किसी चीज की एक्सेस ना ले, क्योंकि अगर हम किसी चीज की भी एक्सेस ना ले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी सॉल्ट, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन टर्शरी अमीन और क्वार्टरनरी सॉल्ट चारों का मिक्सचर बनेगा, गड्ढे की सब्जी बन जाएगी, है ना, सब चीजें मिक्स हो जाएगी। इसलिए और उन चारों चीजों के मिक्सचर में से उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप किसी भी चीज की एक्सेस नहीं लेंगे तो प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन टर्शरी अमीन और क्वार्टरनरी सॉल्ट चारों प्रोडक्ट बनेंगे और चारों की मिक्सिंग होगी, चारों की मिक्सिंग में से उन्हें अलग अलग करना बहुत मुश्किल होगा। तो जब वो चीजें अलग अलग ही नहीं हुई तो अमीन का गड़बड़ झाला बन जाएगा, इसलिए मेथड ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, तो क्यों अच्छा नहीं है? इसको जगह बना के लिखते हैं पूरा आंसर, बोलो क्यों अच्छा नहीं है? बोलो बच्चों, इस मेथड में क्या क्या बनेगा? बोलो, इन दिस मेथड आफ्टर रिएक्शन a mixture of primary, secondary, tertiary amines and quaternary salt is formed and it is very difficult to separate them from their mixture.
फ्रॉम देयर मिक्सचर. दैट्स व्हाई, या इसलिए हेंस दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड. हेंस इट इज नॉट अ सुटेबल मेथड टू फॉर्म अमीन. सुटेबल मेथड टू फॉर्म अमीन, इसलिए अमीन बनाने का बहुत बढ़िया मेथड नहीं है. नोट करें जल्दी से. हाँ जी, नोट करते जा रहे हैं, करिए जल्दी से. तो ये था हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड बच्चों, ये था हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड. इसमें अगर आप क्या करेंगे, अमोनिया की रिएक्शन C2H5Cl से कराएंगे तो पहले प्राइमरी अमीन बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी अमीन, फिर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा. अगर आप C2H5Cl को एक्सेस में लेंगे तो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मेन प्रोडक्ट होगा. अगर आप अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो प्राइमरी अमीन मेन प्रोडक्ट होगा. हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन और क्वार्टरनरी सॉल्ट का मिक्सचर बनता है, जिन्हें उसमें से अलग अलग करना बेहद मुश्किल रहता है. इसलिए कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है. अब अमीन्स बनाने का पहला मेथड हो गया हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड. अब अमीन्स बनाने के बाकी मेथड आएंगे, लेकिन वो बाकी मेथड कल के वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी. तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अमीन्स बनाने के बाकी मेथड. अमीन्स जैसे कंप्लीट करोगे चैप्टर फिनिश हो जाएगा एनसीईआरटी करने के बाद, फिर हम नया और लास्ट चैप्टर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी. ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी कल अमीन्स की बाकी बची प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए. ओके, बाय.